तो अमेजोन इंडिया और फ्लिपकार्ट पर कुछ बड़े अपडेट्स निकल के आ रहे हैं जो आपको जानना जरूरी है अगर आप फ्लिपकार्ट या अमेजोन पर सेल करते हैं या सेल करने का मन बना रहे हैं या फिर आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट के कस्टमर हैं और वहां से जाके परचेजिंग करते हैं। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या ऐसे अपडेट्स हैं जो अमेजोन इंडिया ने और फ्लिपकार्ट ने रिसेंटली अनाउंस किए हैं। बात करते हैं सबसे पहले फ्लिपकार्ट इंडिया की। फ्लिपकार्ट ने अनाउंस किया है आज रात मतलब 20 अप्रैल 2022 से FSCOD का जो बैगेज आपको दिखाई देता है फ्लिपकार्ट की लिस्टिंग्स पे उसको चेंज कर दिया जाएगा और वो अब बन जाएगा F+। कहने का मतलब FSCOD को F+ से रिप्लेस कर दिया है। ऐसा इसलिए फ्लिपकार्ट को करना पड़ रहा है क्योंकि FSCOD का सीधा सा मतलब है कि वो फ्लिपकार्ट की तरफ से एस्योर्ड है, लेकिन रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने FSCOD बैगेज उन सेलर्स को भी दे दिया जो कि ना तो फ्लिपकार्ट के वेयरहाउस से सेल करते हैं और ना ही स्मार्ट सेलर हैं, मतलब जर्नल वो अपने ऑफिस या घर से सेल कर रहे हैं। तो उस केस में उनको FSCOD बैगेज देना फ्लिपकार्ट के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम कर सकता है क्योंकि FSCOD का सीधा सा मतलब है कि वो 6 क्वालिटी चेक होने के बाद आ रहा है। पर जो लोग अपने ऑफिस या घर से सेल कर रहे हैं और उनके प्रोडक्ट्स को FSCOD मिला हुआ है और वो फ्लिपकार्ट के वेयर हाउस की सर्विसेज यूज नहीं करते हैं और ना ही वो स्मार्ट सेलर हैं, उस केस में फ्लिपकार्ट की इमेज को प्रॉब्लम पहुंच सकती थी। इसीलिए फ्लिपकार्ट ने FSCOD का चक्कर ही खत्म कर दिया और अब कर दिया F+, जिससे कुल मिला के FSCOD होने की कोई बात ना रह जाए, मीन्स डायरेक्टली फ्लिपकार्ट को कोई हर्ट ना पहुंचे। बात करें अगर फ्लिपकार्ट के दूसरे बड़े अपडेट की तो ये है, आपकी जो लिस्टिंग्स हैं फ्लिपकार्ट की, अगर उसको FSCOD मिला है और आपने उसको ऑन करके रखा हुआ है तो अब आप उसमें फ्री शिपिंग ही कस्टमर को प्रोवाइड कर पाएंगे, मीन्स आप कस्टमर से आप कोई भी शिपिंग चार्ज नहीं ले पाएंगे, भले ही उसका प्राइस 500 के नीचे है या 500 के ऊपर है। कहने का मतलब अगर आपकी लिस्टिंग्स FSCOD में जा चुकी हैं या इनरोल हैं और आपने FSCOD इनेबल करके रखा हुआ है तो अब आपको कस्टमर्स को फ्री शिपिंग ही देनी पड़ेगी, चाहे वो F+ हो या non-F+ हो। लिस्टिंग्स का प्राइस क्या है कोई मैटर नहीं है। अगर आपकी लिस्टिंग FSCOD में इनरोल है तो अब आपको कस्टमर्स को फ्री शिपिंग ही देनी पड़ेगी, आप उनसे पैसा नहीं ले पाएंगे। तो ये दो बड़े अपडेट्स हैं जो फ्लिपकार्ट सेलर्स को जानना बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं अमेजोन इंडिया की कुछ बड़े अपडेट्स की। अमेजोन ने आज ही अनाउंस किया है कि वो कुछ फुलफिलमेंट सेंटर्स और बंद करने जा रहे हैं इंडिया में, मतलब कुछ अमेजोन FCs अगेन इंडिया में बंद होने जा रही है। ध्यान से समझ लेते हैं कि कौन सी FCs अमेजोन इंडिया में बंद करने जा रहा है। सबसे पहले अगर बात करें SCCG या SCCH की, तो ये दोनों ही FCs कोलकाता में हैं, इनको बंद किया जा रहा है और इनके ऑपरेशंस को मर्ज किया जा रहा है CCU1 के साथ में, जो कि कोलकाता में ही सिचुएटेड है। तो अगर आप इन FCs में इनरोल हैं तो आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में CCU1 FC को भी ऐड करवा लेना है, जिससे आपका आइटम ये अपने आप अपनी कॉस्टिंग में शिफ्ट कर लें CCU1 में। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो फिर ये ऑटोमेटिक रिमूवल क्रिएट कर देंगे और आपका आइटम आपके वेयर हाउस में ट्रांसफर कर देंगे या वापस कर देंगे। इसीलिए अगर आप SCCG या SCCH को यूज कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि 1 मई से यहाँ पे ऑपरेशंस बंद हो जाएंगे। इसी तरीके से SDEL की बात करें तो यहाँ पे भी अब आपका मर्जर हो रहा है और ये SDEL चूंकि ये गुड़गांव में है और इसको मर्ज किया जा रहा है SDEB के साथ में। यहाँ पे ऑलरेडी जो इनबाउंड ऑपरेशंस हैं वो तो पहले ही बंद हो गए हैं, लेकिन अब जो है फाइनली इसको पूरा बंद ही कर दिया जा रहा है। तो अगर आप इस FC में काम कर रहे हैं या इस FC में आपका आइटम पड़ा हुआ है तो फिर वो आपको दूसरी FC में ट्रांसफर कर दिया जाएगा या आप उसका खुद भी रिमूवल क्रिएट कर पाएंगे। तो इस तरीके से अमेजोन FCs बंद कर रहा है। कुछ FCs बीच में भी अमेजोन ने बंद की जिसका नोटिफिकेशन अमेजोन ने सेलर सेंट्रल पैनल में नहीं दिया, बट वो FCs बंद हो चुकी हैं। नोटिफिकेशन सिर्फ उन्हीं को मेल पे भेजा गया जो उस पार्टिकुलर FCs में इनरोल थे।
तो इसीलिए बहुत सारी एफसीज अमेजन बंद कर रहा है और अपने खर्चे को या एक्सपेंसेस को ऑप्टिमाइज कर रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं मीशो के आने की वजह से, शॉपसी के आने की वजह से, फ्लिपकार्ट की वजह से अमेजन को थोड़ा बहुत नुकसान तो हो ही रहा है और उसके ऑर्डर रेट्स में थोड़ा बहुत कमी तो आई ही है। इसीलिए ये जो फुलफिलमेंट सेंटर्स थे जहां पे लोडिंग बहुत कम आ रही थी उनको बंद ही कर दिया जा रहा है। तो अगर आप अमेजन या फ्लिपकार्ट पे सेल करते हैं तो ये अपडेट्स आप अपने दिमाग में रखें और इसी के हिसाब से आप डिसीजन लें जिससे आपके बिजनेस को कोई भी नुकसान ना पहुंचे। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।